हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो बन रहा है छत के ऊपर। आज मैं थोड़ी बहुत रील्स बनाई थी और मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप भी उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब बात करती हूँ आगे। आज का वीडियो होने वाला है हैप्पीनेस के ऊपर, कि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को कैसे और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने जो मुझे पसंद है मैंने वो काम किया, और वो मुझे काम करने में क्यों अच्छा लगा, धूप थी, 4:15 का समय था, तभी भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें मेरी हॉबी थी, तो इस वजह से मुझे वो चीज़ करने में अच्छी लगी। तो सबसे नंबर वन पे क्या आता है कि अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करिए। जितना ज़्यादा अपनी हॉबीज़ को टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर जनरेट होंगे और स्ट्रेस हार्मोन आपके कम होंगे। तो दिस इज़ द नंबर वन। और सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ कि जो बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और जिनसे आपको एक हाई वाइब्रेशन मिलता है और उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से इन टच रहिए, बाय कॉल, बाय मीटिंग, तो आप कैसे भी टच में रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो आपको मतलब एक जो लाइफ में एक रिलेशनशिप हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो और कोई भी हो, कोई अच्छे रिलेशनशिप अगर होंगे तो हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तो हम हैप्पी सा रहते हैं, हेल्थ भी अच्छी, हम भी अच्छे, खुश सा रहते हैं। अब बात करती हूँ नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 है कि अप्रिशिएट करना और शेयर करना, सेलिब्रेट करना। अगर मैं कहूँ कि दूसरों की गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करना हमें सीखना चाहिए और वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं, अपने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उनको शेयर करने में दे आर इन वेरी हाई वाइब्रेशन और उनको बहुत खुशी होती है, जैसे हम सबको ही होती है, बट जब कोई अपनी दूसरा पर्सन अपनी चीज़ें शेयर कर रहा होता है देन दे फील लो, दे डोंट वॉन्ट टू लिसन। तो ऐसी जब चीज़ें आप करते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी अच्छी चीज़ें जो आपके पास और आने वाली होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दूसरों की हैप्पीनेस से खुश होते हैं, उनकी गुडनेस को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अच्छी चीज़ें जैसे हम अपने लिए चाहते हैं हमारे पास आना स्टार्ट हो जाती है, तो वाइब्रेशन जो होती है वो काम करती है। अब बात करते हैं नंबर 4। तो अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर, अपने आप को सेलिब्रेट करिए, इन्जॉय योर सेल्फ, खुद को इन्जॉय करना सीखिए। और आप अपने को इन्जॉय कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि वीकेंड था लास्ट नाइट और समवेयर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरा मन था कि मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ और मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट इन्जॉय करूँ। देन मैंने क्या किया, अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर किया और रात का समय था, एंड आई ऑर्डर्स कोल्ड कॉफ़ी, तो और उसके बाद एक नेटफ्लिक्स पे मूवी लगाई और उस मूवी को वॉच किया। तो वो छोटी सी चीज़ जो मैंने अपने लिए किया और उससे मुझे मतलब इतना मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला कि आई कांट से कि मतलब वो हमारे अंदर बहुत एक हैप्पीनेस जनरेट करते हैं कि हमने अपने लिए खुद के लिए अपना मी टाइम निकाला। तो अपने आप को इन्जॉय करना सीखिए और इन्जॉय योर सेल्फ। इसके साथ टॉक और शेयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और मतलब जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है ऐसे लोगों से आप शेयर करिए, उनसे आप बातचीत करिए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि मतलब एक अंदर से कि एक कनेक्टिविटी सी फील होगी, और वो जो कनेक्टिविटी होती है वो हमारे लिए हमेशा काम करती है, हमारे अंदर वेलबींग के लिए, हमारी इनर हेल्थ के लिए। और जब हम इनर हेल्थ मतलब हमारी अच्छी रहती है तो हमारे हर चीज़ अच्छा होता है ऊपर से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हम उन ब्लेसिंग्स को नोटिस ही नहीं कर पाते क्योंकि हम अभावों को देखने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, यानी लैक की फीलिंग में रहते हैं कि लैक हमारे पास क्या चीज़ हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को देखेंगे, जैसे एक अच्छी फैमिली होना ब्लेसिंग्स है, अच्छे पेरेंट्स मिलना ब्लेसिंग्स है, आपके पास अच्छा घर है, कंफर्ट जगह पर आप रहते हैं ब्लेसिंग्स है, अच्छी सिटी में आप रहते हैं ब्लेसिंग है आपके लिए, आप अच्छी नौकरी करते हैं ब्लेसिंग है आपके पास, मतलब अच्छे फ्रेंड सर्कल है ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके को लगता है कि मतलब ये आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं, आपकी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, तो वो सब ब्लेसिंग्स हैं, अच्छे लोगों का होना ब्लेसिंग्स है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपने लिए जैसे फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी जिनके पास है अगर वो है तो एक ब्लेसिंग है लाइफ में, सबके पास नहीं होता है कि टाइम का फ्रीडम और मनी का फ्रीडम भी, गुड हेल्थ होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो इन सब के लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, जितना ग्रैटिट्यूड हम करना सीखेंगे उतना ज़्यादा हम अपने तरफ ये चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहेंगे।
नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ इसलिए कहा गया है। कोई भी कोट जब बनती है ना तो वो बहुत डीप उसका मीनिंग होता है, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी आप वेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। जब आप वेल्थ के लिए काम करेंगे तो वो वेल्थ आपको और ज़्यादा हेल्थ प्रोवाइड करेगी। तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इनर हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी मेंटली हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इसके ऊपर काम करिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज़ पे काम करना अच्छा लगता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं और हमें मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब हमारे हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। इवन जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपकी जो फेवरेट चीज़ होगी ना वो भी आपको करने का मन नहीं करेगा। लाइफ में एक जिसे कहूँ कि जॉय की कमी हो जाती है, हैप्पीनेस की कमी हो जाती है और उसके साथ साथ आप एक बहुत ही नीरस जैसे जोन में चले जाते हैं। तो कभी भी याद करिएगा, कभी जब आपकी तबीयत ख़राब हुई हो और फिर आप नोटिस करिएगा कि तब ऐसा लगता है कि बस हम ठीक हो जाएं फिर तो सारा काम भी कर लेंगे। क्योंकि जब छोटे थे तो ऐसा लगता है यार बीमार होते तो ये काम नहीं करना पड़ता, स्कूल नहीं जाना पड़ता, फिर लगता है बस ठीक हो जाए, स्कूल भी रोज चले जाएंगे, ये काम भी कर लेंगे, बस हेल्थ अच्छी रहे, ये सब भी कर देंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और शायद मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, टॉक एंड शेयर, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टॉक एंड शेयर। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि दे आर वेरी मतलब मच कॉन्फिडेंट पर्सन, दे आर वेरी मतलब वो बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंदर से दिखते ज़रूर बाहर से खुश हैं लेकिन अंदर से बहुत सारे लोग आज भी खुश नहीं हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन उनके पास उन चीज़ों को शेयर करने के लिए लोग नहीं हैं, उनको बात करने के लिए लोग नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब ऐसा इंसान जो आपको समझ सके, तो ऐसे इंसान के साथ बात करिए, चीज़ों को शेयर करिए, आपको लगेगा कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। और जैसे हैप्पी हार्मोन्स, वो अच्छे इंसान जो भी आपके फेवरेट पर्सन होते हैं उनसे बात करने से जो जनरेट होते हैं, तो ये इसके लिए भी एक प्लस पॉइंट है, हैप्पीनेस आती है आपके अंदर। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न है टॉक एंड शेयर का। तो अपनी इन सब चीज़ों पे काम करिए और हैप्पीनेस को ऐड करिए अपनी लाइफ में। जितना ज़्यादा हैप्पीनेस धीरे धीरे करके हैबिट डालेंगे ऐड करने की, उतनी और ज़्यादा आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत सारी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ऐड करिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।